देखिए इंडिया बहुत मजबूत है, इंडिया बहुत मजबूत है, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के समय पूरे देश में घबराई हुई है। आजमगढ़ में गरजे चाचा शिवपाल, इंडिया से घबरा गई है बीजेपी। शिवपाल ने कहा इंडिया बहुत मजबूत है इसलिए घबराई है बीजेपी। 2024 में चाचा शिवपाल निरहुआ को देंगे कड़ी चुनौती। समाजवादियों को 2024 में जीत का मंत्र दे गए शिवपाल यादव। पूर्वांचल यात्रा पर निकले शिवपाल यादव सोमवार को आजमगढ़ पहुंचे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया को देखकर बीजेपी घबरा गई है। गौरतलब है कि आजमगढ़ से 2024 में सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के खिलाफ शिवपाल यादव के ताल ठोकने की चर्चाएं काफ़ी समय से चल रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ के बौद्ध मठ वाले बयान से पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत विचार है, इसमें वह नहीं पढ़ना चाहते। शिवपाल यादव ने कहा कि फिलहाल जो भी पार्टी के लोग हैं सबको एकजुट किया जाएगा और 2024 चुनाव में उत्तर प्रदेश से बीजेपी को भगा दिया जाएगा। शिवपाल यादव जौनपुर से सड़क मार्ग से आजमगढ़ शहर के कलेक्ट्रेट स्थित नेहरू हॉल पहुंचे, जहां उनका समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। शिवपाल यादव ने कहा कि पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए जो भी पार्टी की विचारधारा से संबंधित लोग हैं, समाजवादी हैं, दलित, पिछड़े, मुस्लिम में सबको जोड़ने का काम पूर्वांचल यात्रा के माध्यम से वह कर रहे हैं। कैसे इकाई का नहीं गठन होगा, कैसे होगी? बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाएगी और जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं सबको एक करके संगठन को मजबूत करके 2024 का चुनाव लड़ेंगे। इंडिया बनाम एनडीए क्या रहेगा, गठबंधन में रहेगा योगी? देखिए इंडिया बहुत मजबूत है, इंडिया बहुत मजबूत है, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के समय पूरे देश में घबराई हुई है। बाकी कल क्या गलत? देखिए गुटबाजी बिल्कुल अब नहीं रहेगी। अब हमें इसलिए तो आए हैं, अभी कार्यकर्ता सम्मेलन है और सब एक होकर के लड़ेंगे अपनी भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। अब बस कल कर लेंगे और कल। अब चलिए कल के लिए, कल 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 कल